दोस्तों नमस्कार, मैं बिमल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग पर्यावरण विषय का अध्ययन कर रहे थे, उसी के क्रम में आज पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ लेकर के उपस्थित हैं। 15 प्रश्नों को आज मैंने इसमें शामिल किया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान बनाया गया है। प्रश्न एक देखिए, प्रश्न संख्या एक है, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान बनाया गया है। आपके ऑप्शन हैं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो इसमें दोस्तों कौन सा आंसर आपका सही है? आपका बी सही है। आप लोग बी पर टिक कर लेंगे, बी को आप नोट कर लेंगे। आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश सही है। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश में बनाया गया है। दोस्तों जीवाश्म का मतलब होता है फॉसिल्स। आप लोग अंग्रेजी का शब्द टर्म पढ़े होंगे फॉसिल, ठीक है। फॉसिल ऐसे जंतुओं को फॉसिल कहा जाता है कि जिनके गण के, जिनके परिवार के अन्य समस्त सदस्य खत्म हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, उनमें से अगर कोई एक दो जंतु बचे हैं तो उनको फॉसिल की संख्या दी जाती है। चलिए प्रश्न संख्या दो देखिए, आदिम वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा कि आदिम वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, पिता कौन है। आपके विकल्प हैं हार्सबर्गर, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका भी बी सही है, सॉरी दोस्तों बी नहीं, यहाँ पर आपका ए सही है। आप लोग ए पर टिक करेंगे, हार्सबर्गर। आदिम वनस्पति विज्ञान के पिता हार्सबर्गर हैं, हिप्पोक्रेटस नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या तीन देखिए, दोस्तों केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शन है 1980, 1990, 1992 और 1995। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी विकल्प सही है, आप लोग टिक करेंगे 1992 को। 1992 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। दोस्तों आपके इस पर्यावरण विषय में कुछ ऐसे तिथियां हैं जो कि सेम हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी। दोस्तों वहाँ पर हाथी परियोजना भी 1992 में शुरू की गई थी। तो ऐसे आप जिन प्रश्नों की तिथियाँ इस भी सन सेम हैं, आप उनसे एक दूसरे को मैच करके याद करने का प्रयास करेंगे तो आप बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या चार, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि एक अपने देश का एक पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क, उसमें पूछ रहा है कि यह कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, किस स्टेट में स्थित है। विकल्प देखिए, पहला है आपका केरल, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है, आप लोग डी पर टिक कर लेंगे, डी को नोट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के यह लखीमपुर खीरी जनपद में है, लखीमपुर खीरी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका डी विकल्प सही है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लखीमपुर खीरी जनपद में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। प्रश्न संख्या पाँचवा देखिए दोस्तों, वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ। वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट किस सन में पारित हुआ? दोस्तों बर्ड का मतलब आप जानते हैं चिड़िया, बर्ड का मतलब पक्षी, ठीक है। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली ना, जंगली, ठीक है दोस्तों। तो जो जंगलों में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ऐसे पक्षियों की बात यहाँ पर की जा रही है, उनके प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा से संबंधित जो एक्ट था, जो अधिनियम था, वह किस सन में पारित किया गया, यहाँ पर इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपके चार विकल्प दिए गए हैं, 1887 ईस्वी, 1885, 1880 और 1850। यहाँ पर दोस्तों आपका ए विकल्प सही है, 1887 ईस्वी, 1887 ईस्वी में जो वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट था वो पारित किया गया था। दोस्तों वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसी चिड़िया को, ऐसी पक्षियों को इसमें संरक्षण देने का प्रयास किया गया है जो कि आम तौर पर हमारे घरों में नहीं पाई जाती। जो पक्षी हमारे घरों में पाए जाते हैं, हमारे परिवेश में पाए जाते हैं, हमारे आसपास पाए जाते हैं, उन्हें हम घरेलू पक्षी कहते हैं, जबकि अदर को, अन्य को हम वाइल्ड बर्ड की श्रेणी में रखते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारा आज का छठवां प्रश्न है, संख्या छः देखिए, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन प्रारंभ किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन, यहाँ पर एक शब्द आ रहा दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ किया गया? तो ऑपरेशन ग्रीन का मतलब यहाँ पर क्या है, हरियाली बढ़ाने से संबंधित योजना है, जिसमें कि सड़कों के किनारे पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना है जिससे कि हरियाली बढ़ाई जा सके। आपके देखिए यहाँ पे विकल्प हैं जुलाई 2001, अक्टूबर 2001, अगस्त 2001 और मई 2001 आपका लास्ट विकल्प है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए विकल्प सही है, आप लोग ए पर टिक कर लेंगे, जुलाई 2001, जुलाई 2001 में ऑपरेशन ग्रीन उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या सातवां देखिए, भारत का पहला जैवमंडली आरक्षित क्षेत्र था, भारत का पहला जैवमंडली आरक्षित क्षेत्र कौन सा था, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था दोस्तों, नीलगिरी। ऑप्शन बी नंबर आपका सही है दोस्तों। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 8वां देखिए, ब्रह्मांड के उत्पत्ति का महाविस्फोटक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ब्रह्मांड के उत्पत्ति का दोस्तों जो महाविस्फोटक सिद्धांत था, महाविस्फोटक सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी को प्रतिपादित कौन से साइंटिस्ट ने, किसने किया था, यहाँ पर विकल्प देखिए, जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज लेमेत्रे और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है दोस्तों, जॉर्ज लेमेत्रे ने महाविस्फोटक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आप लोग टिक कर लेंगे, नोट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 9वां, प्रश्न संख्या 9 देखिए, चंद्रमा पर काले धब्बों वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों चंद्रमा पर हम लोग आमतौर पर देखते हैं, जब हम लोग रात में देखते हैं चंद्रमा को, तो हमें उसके कुछ क्षेत्रों पर काले धब्बे दिखाई देते हैं। तो उसी को पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है, ठीक है। काले धब्बों वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, उसका नाम क्या है। आपके विकल्प हैं मृत सागर, शांत सागर, चंद्र सागर या इनमें से सभी। तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प है सही वो बी है, आप लोग बी पर टिक करेंगे दोस्तों, शांत सागर। इसको सी ऑफ ट्रांक्विलिटी के नाम से जाना जाता है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी दोस्तों, शांत सागर का ये नाम है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। चलिए प्रश्न संख्या 10वां हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या आज का जो 10वां प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि तारों का जो रंग होता है, हम लोग तारे देख पाते हैं टिमटिमाते हुए तारे आसमान में, तो जो रंग दिखता है वह किस चीज़ का सूचक है। यहाँ पर उसके रंग का सूचक, उसकी दूरी का, उसके ताप का, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है, जो तारों का रंग होता है वह उसके ताप का सूचक होता है। मतलब जिस तारे का तापमान जितना अधिक होगा वह उतना ही चमकदार दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग सभी ये 10 के 10 बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिन दोस्तों को आवश्यकता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग पुनः अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों आइए, हम लोग अभी तक 10 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं, 11वां प्रश्न आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों आपका 11वां प्रश्न है, प्रदूषित जल से रोग होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है इस टाइप का प्रश्न, अक्सर पूछा जाता है मानव स्वास्थ्य, ये जो टॉपिक आपके विषय में है उससे है। तो आपका विकल्प है दोस्तों पीलिया, कैंसर, एड्स या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प सही है दोस्तों, ए पे आप लोग टिक करेंगे, ए को नोट कर लेंगे। प्रदूषित जल से होने वाला जो रोग है, यहाँ आपके जो विकल्प में दिया गया है उनमें से पीलिया है, पीलिया प्रदूषित जल से होता है। चलिए प्रश्न संख्या 12वां देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12। जैवमंडल से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देने पर सबसे पहले प्रभावित होंगे। दोस्तों इस प्रश्न में पूछ रहा है कि जो जैवमंडल है जिस पर कि जीवधारी निवास कर रहे हैं, जो पर्यावरण से संबंधित, तो यहाँ पर अगर CO2 को जैवमंडल से बिल्कुल से निकाल दिया जाए, पृथक कर दिया जाए, तो आपके इनमें से जो विकल्प आपके दिए गए इनमें से कौन सबसे पहले प्रभावित होगा। आपके विकल्प है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उपभोक्ता को हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, उत्पादक को प्रोड्यूसर कहते हैं और अपघटक को डीकम्पोजर कहते हैं। तो दोस्तों जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका उपयोग सबसे पहले जो भोजन बनाते हैं पौधे, हरे पौधे वही करते हैं, उन्हीं को हम लोग उत्पादक के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोगों को ये पता भी होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो आपका आंसर है, सबसे सही आंसर आपका उत्पादक है, आप लोग बी पर टिक करेंगे। जैवमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देने पर सबसे पहले जो प्रभावित होंगे उत्पादक, दोस्तों उत्पादक, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की सहायता से ही, क्लोरोफिल जो इनमें होता है, तो उसकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा। अगर CO2 वायुमंडल में, जैवमंडल में नहीं होगी तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, अर्थात सबसे पहले ये प्रभावित होंगे। और दोस्तों अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे जैवमंडल में, तो हम लोगों का भी जीवन यापन संभव नहीं हो सकेगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। यहाँ पूछ रहा दोस्तों उड़ने वाली मछली है, आप लोगों को बताना है कि उड़ने वाली मछली कौन सी है। आपके विकल्प हैं शार्क, व्हेल, टारपीडो, एक्सोसीटस। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो शार्क और व्हेल हैं ये मछली नहीं बल्कि स्तनधारी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों स्तनधारी हैं, यहाँ इन दोनों का विकल्प कट गया, ये दोनों नहीं हैं। तो आपका यहाँ पर जो दोस्तों सही है वो है आपका डी आंसर, एक्सोसीटस। दोस्तों उड़ने वाली मछली जो है एक्सोसीटस है। यहाँ पर एक बात आपको जानने के लिए मैं बता देता हूँ, जानने वाली बात है दोस्तों, जो एक्सोसीटस है वह एक्चुअली में उड़ती नहीं है, क्योंकि पानी में रहने वाली मछली है तो उड़ती नहीं है दोस्तों, समंदर में पाई जाती है। इसका जो बेग होता है, गति होती है समंदर में, बहुत अधिक तेज़ है,
यह पानी में काफ़ी गति से तैरती है और पानी की सरफेस से सतह से बाहर निकलती है तो काफ़ी दूर छलांग मार के गिरती है फिर से, तो यह जो है इसी कारण से उसको उड़ने वाली मछली का नाम दिया गया है। और मछलियां जो है सतह पर आती हैं लेकिन तुरंत ही डूब जाती हैं, यह सतह पर आती है तो उछलती है और काफ़ी दूर गिरती है जा करके, तो इसलिए उड़ने वाली मछली का नाम इसको दिया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखिए, रेसर पिन प्राप्त होता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर रेसर पिन प्राप्त किया जाता है, आपका पूछ रहा है दोस्तों जो रेसर पिन है वह औषधि है, तो इस औषधि के बारे में पूछ रहा है कि किससे प्राप्त होता है। आपके पौधों के नाम दिए गए हैं, अजगन से, विधारा से, सर्पगंधा से या फिर सभी से, तो सभी से तो नहीं हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, आप लोग नोट कर लेंगे सी, जो रेसर पिन है दोस्तों वो सर्पगंधा से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 आज का लास्ट, अगला प्रश्न देखिए, वाष्पोत्सर्जन दर मापी जाती है। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन को ट्रांसपिरेशन भी कहा जाता है। ट्रांसपिरेशन दोस्तों वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे अपने शरीर में उपस्थित जो अधिक जल की जो अधिक मात्रा होती है उसको बाहर निकालते हैं। दोस्तों जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ज़्यादा होता है। अगर ताप की मात्रा अत्यधिक है, गर्मी अत्यधिक पड़ रही हो तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा। नाइट के समय में, रात्रि के समय में वाष्पोत्सर्जन कम होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता है। चलिए यहाँ पर आपके जो विकल्प हैं उनको देख लेते हैं। आपका पहला है पोटोमीटर, दूसरा है अल्टीमीटर, तीसरा है मैनोमीटर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या सही होगा दोस्तों? पोटोमीटर। दोस्तों पोटोमीटर की सहायता से हम लोग वाष्पोत्सर्जन की दर माप लेते हैं, मापते हैं कि कौन सा प्लांट कितना किस दर से वाष्पोत्सर्जन कर रहा है, पानी को निकाल रहा है। दोस्तों जो वाष्पोत्सर्जन है यहाँ पर कह रहा है कि इस दो शब्दों से मिलकर बना है, वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी कि जो जल की मात्रा है वह वाष्प के रूप में, उत्सर्जन का मतलब निकलती है, ठीक है, इसीलिए इसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है और इसकी जो दर है वह पोटोमीटर से मापी जाती है। दोस्तों आज के जो प्रश्न थे आपके यहीं पर समाप्त हुए हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था दोस्तों जिसका आंसर आप लोगों ने सही दिया था। आपका जो प्रश्न था वह विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोगों ने, सभी दोस्तों ने उसका सही आंसर दिया था 10 जनवरी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 10 जनवरी। हमारे सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था कमेंट के माध्यम से, जो आपका पिछले वीडियो में जो आपका आंसर था वो 10 जनवरी था। तो चलिए आज का प्रश्न आपके लिए जो है, मैंने आपके लिए जो प्रश्न रखा है यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, आज का जो आपका प्रश्न है वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रमुख वास्तुकार हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट नामक स्थान पर बनाया गया है, जो कि इस समय संसार का सबसे बड़ा स्टैचू है, संसार का सबसे ऊँचा सबसे लंबा स्टैचू है। तो इतना मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूँ, आप लोग बाकी इसका जवाब बताएंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रमुख वास्तुकार, वास्तुकार का मतलब प्रमुख कलाकार जो इसको डिज़ाइन किए हैं, जिसको बनाने में सहयोग किए हैं, तो उन इसका विकल्प देखिए आप लोग आंसर, जी शंकर कुरु, राम वी सुतार और तीसरा है लुटियंस और चौथा है सभी। तो आप लोग इसका जो जवाब है दोस्तों इस प्रश्न का जो आपके लिए था कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।